संबित पात्रा, जब प्रधानमंत्री ने एक बयान दे दिया, आज तक ने पूरा बयान दिखाया, एक बार नहीं दो बार दिखाया, ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम क्या क्या बोले, उन्होंने जो बातें कही उससे इतर बातें लिखित बयान में सामने आई, तो सवाल तो उठेंगे ना एक के बाद एक। और फिर वो कह रही थी पहले सुरेंदर और बाद में उन्होंने कहा कि हाँ हो गया सरेंदर, अब बोलिए आप दीजिए जवाब। ठीक है, चलिए पहले तो इन्होंने कहा कि वो सरेंडर शब्द नहीं था, सुरेंदर था, तो अब से मैं राहुल गांधी को भी रोहू गांधी बुलाऊंगा, 24 घंटा रोना धोना इनका काम है। आप याद करिए, राहुल गांधी पहले कह रहे थे बोलो बोलो प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने बोला, ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला लिया। उस समय भी हम कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है इनका, उसके बाद भी रोहू गांधी रोते ही रहेंगे। देखिए कुल मिलाकर के जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, अगर किसी ने कुछ सरेंडर किया है तो राहुल गांधी जी ने अपनी बुद्धि, अपनी मति, गति और अपने देश प्रेम को सरेंडर कर दिया है। ये तो राहुल गांधी का विषय था। अब राहुल गांधी को छोड़ते हैं, विषय पे आते हैं। देखिए आपने कहा और यहाँ सवाल भी उठाया गया कि प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद, प्रधानमंत्री जी ने दो बड़ी बातें बताई थी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कि नो इंट्रूजन, कोई हमारे बॉर्डर में नहीं घुसा, कोई हमारे इलाके में नहीं घुसा और हमारे पोस्ट को किसी ने नहीं लिया। फिर आपने कहा क्लैरिफिकेशन देने की क्या आवश्यकता थी, मैं उसको क्लैरिफिकेशन नहीं कहता हूं, मैं उसको एक्स्ट्रापोलेशन कहता हूं, अर्थात उसको विस्तार से समझाना। क्योंकि जो इलाका आज देखिए दो चीजें हैं, एक बॉर्डर है और एक एलएसी है। बॉर्डर अलग है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है। हाँ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बॉर्डर से अलग इसलिए है क्योंकि चाइना ने हमारे इलाके में 1956, 59, 62 से घुसपैठ करते हुए 43,000 किलो स्क्वायर किलोमीटर इलाका हिंदुस्तान का चाइना ने ले लिया है। उसके बाद जो एलएसी है, जो मान्य लाइन चल रही है, उस लाइन के इस पार जो हिंदुस्तान के तरफ है वहां नो इंट्रूजन हुआ है, जिसको कि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही थी घुसपैठ हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे इलाके में नो इंट्रूजन हुआ है, अर्थात वो एलएसी में वहां कहीं ना कहीं एक परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी चाइनीज के पीएलए द्वारा, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा। किंतु हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से डट करके एलएसी में सामना किया, उनका निपटारा किया, ये सब हमने देखा है। दो बड़े आरोप उन्होंने लगाए, उन्होंने आप जिस 96 के एग्रीमेंट का हवाला लगातार दे रहे थे उसी का एक भाग निकाल के आपके सामने रखा, जो ये कहता है कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट का समझौता है। ठीक है, इसलिए आप इसकी आड़ में चीजों को छुपा नहीं सकते। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात है कि जहां तक मैनेजमेंट का विषय है, आप खुद बताइए, ये तो एलएसी मैंने डीएस्केलेशन ही चल रहा था क्योंकि आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट और वहां पर स्टैंड ऑफ एलएसी अलोंग द लाइन ऑफ एलएसी चल रही थी, वहां कुछ स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश चाइनीज कर रहे थे, हमने ऑब्जेक्शन किया था, बिल्डअप हो रहा था, तो डीएस्केलेशन की बात चल रही थी। डीएस्केलेशन के लिए दोनों पक्षों से बातचीत हुई, पहले वो राजी भी हो गए कि हाँ हम डीएस्केलेट करेंगे, बाद में छुरा भोंका, इसलिए ये मैनेजमेंट चल रहा था, उस समय टैक्टिकल वॉर नहीं चल रहा था, अब जो परिस्थिति है वो बदली हुई। दूसरी बात देखिए रोहित जी, हमारे सैनिकों ने किस प्रकार से उन बर्बर पीएलए वालों को मारा, बंदूक से मारा या नहीं मारा, चाकू से मारा या हाथ से मारा, ये सब मैं टीवी पे क्यों बताऊं, या ये एमईए भी खुलासा क्यों करे, या ये आर्मी भी खुलासा क्यों करे, क्यों हम खुलासा करें कि हमने संधि को तोड़ा या बनाए रखा, ये क्यों चाहते हैं कि हम सब कुछ यहाँ पर टीवी पे खुलासा कर दे और कल पाकिस्तान और चाइना उसका इस्तेमाल करे। देखिए रोहित जी, कुछ चीजों का खुलासा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।